छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े इलाकों में बच्चों में एलटीपी यानी लिवर ट्रांसप्लांट के मामले अत्यधिक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इलाज के तरीकों में आधुनिकता आई है, लेकिन किफायती कीमतों पर इलाज ना मिलना व सही इलाज तक पहुंच ना पाना आदि अभी भी बहुत से इलाकों में समस्या के रूप में सामने है। यह बात महानगरों से दूर रहने वाले लोगों पर खास तौर पर लागू होती है। हाल ही में इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर NHMMI के सहयोग से शहर में OPD लगाने का निर्णय लिया। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ललित वर्मा ने छत्तीसगढ़ में बच्चों में लीवर की समस्या की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, OPD की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से की जाएगी, जो महीने में किसी एक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे MI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में लगाई जाएगी। डॉक्टर ललित वर्मा आगे बताते हैं, जहां तक बात है लिवर ट्रांसप्लांट की, SRCC बच्चों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है, जहां अनुभवी डॉक्टर और मैनेजमेंट है। याद रखें, जल्दी इलाज शुरू करने पर लिवर ट्रांसप्लांट की स्थिति को टाला जा सकता है, लेकिन बेहद गंभीर स्थितियां जैसे लिवर फेलियर की आखिरी स्टेज, लिवर सिरोसिस आदि में लिवर ट्रांसप्लांट अक्सर जीवन बचाने जैसा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस OPD के जरिए हमारे परामर्श मरीजों के लिए मददगार होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल अगेन, बिकॉज छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिलियरी अट्रेल जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है यकृत की छोटे बच्चों में, जो कि न्यूबॉर्न से ही हो जाता है, पैदा होते ही हो जाता है, वो बहुत ही कॉमन है। 100 में से 20 ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी, वो बच्चों के होते हैं। और इन बच्चों की तकलीफें जो होती हैं वो बड़ों से काफ़ी अलग होती है। बड़ों में जैसे अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी बीमारियां होती हैं। बच्चों में कम 25 कारण हैं जिसकी वजह से लीवर ख़राब हो सकता है, यकृत ख़राब हो सकता है, जिसके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी बच्चे हमें टाइम नहीं देते, बिकॉज वो अपनी तकलीफ़ें बता नहीं पाते, और हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है।